और लगा, तुम लगाओ ना, दोनों नाक को लगा, स्प्रे की बॉटल दो, दरवाजा बंद करो, पूरी दवा बाहर तो कभी मार पसंद करूंगा, निकाल बाहर निकाल, اللهم فاصل الله العليم الرحمن الرحيم اللهم اني احب اليك في حالي فلا Allahu Akbar.
निकाल, मैं तेरे हाथ काट दूंगा अभी, तेजी से निकाल वो। डबल ग्लास लगा रही, निकाल जल्दी कमी नहीं तो अभी काट के भस्म करूंगा तुझे। निकाल पूरा निकाल वो, हाँ जलाओ के पेट में से आग लगाओ, निकाल बाहर पूरी दबाओ, पूरी निकाल बाहर, तेज पूरी दवा बाहर, नहीं तो पूरा जला दूंगा। कहां से लाए थे तुझे, शमशान से, कब्रिस्तान से? हाँ खींच पूरा बाहर खींच वो, कहां से लाए थे तुझे, शमशान से, कब्रिस्तान से? कहां से लाए थे? औरत लाई थी, आदमी लाया था, माँ के रिश्तेदार है बाप की, बाप की। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या है, जोर से, और कौन है, और उसके साथ कितने मिला ले, निकालो।
चल जल्दी बाहर निकाल, जल्दी दवा निकाल और काट दे उसकी। मैं क्या करूं? ठीक है उसकी जुलाब से निकाल देना उसकी दवा, सब जुलाब लगा के उसको घर को जाने के बाद जुलाब लगाओ उसको, जुलाब लगा के सारी दवा निकाल के बाहर चलो। चल दवा दवा कर जल्दी, दवा दवा कर सुबह, दवा दवा बोल जल्दी जोर से, जोर से अल्लाह के बोल तो काट दूंगा। करीना परेशान हुआ रहा, खाना रुकेगा उसका, जल्दी बोलो पैर काट दो। सतंगा घर में खजाना कहाँ गड़े आला, वो खजाना कहाँ है, वो कौन से रूम में है, वो कौन से रूम में, पहला रूम पिछला रूम पीछे का रूम कोने का रूम कौन सा रूम, रूम में नहीं थोड़ा पास में। अच्छा किता कोना पड़ता उसको, अड्डा किता का पड़ता क्या है, बटलो ये चिंपो क्या है, कपड़े में भर गए। अच्छा चल दोबारा दबा कर मार उसको, दोबारा दिखना नहीं कमीने में को लोगों का परेशान करते हुए, अभी तेरे पैर काट के ले लो, काट दे दोनों पैर, काट दो काट दो दोनों पैर, ला तेरे पैर काट के ले लो। हाँ चल दबा दबा कर भाग, अंडा के बोल दबा दबा, हाँ भाग लाला, हाँ जा छोड़ के चल। जल्दी जा दोबारा दिखना नहीं मुझे, क्या नाम है उसका, सुरैया, ए सुरैया, अरे सुरैया पानी पियो, अरे क्या होगा कपड़ा डालो मुझे सही हो, क्या होगा ये कौन है, पीछे कौन बैठा था, ये कौन है, अच्छा अभी यहाँ कुछ सवाल जवाब हो रहे थे, कुछ याद है क्या क्या हो रहा था, क्या दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था, नजर आ रहा था, ऐसा लग जान देते अब काट के डाल देना, लिजान वाले बोलो क्या कर रहे थे, ऐसा लग जाता हूं मुझे लिजान देते उनके मजे से, ऐसा दिख रहा था, तुम टांग पकड़ के खींच के ले जा रहा था, हाथ पकड़ के ले जा रहा था, सांस भी नहीं आ रही थी दोनों, इसके पारा काट दिए पकड़ के नाला, फिर खींच खींच के लोगों को ले जा रहा, क्या वो शैतान से समझेंगे, अगर नहीं समझा तो उसके कुआ काट के लेंगे, कैमरा मारे ये पानी सुबह शाम दो टाइम मुंह पे मार देना, छिनकना करना, और तीन दिन में एक बार 100 बार ऐतल कुर्सी 100 बार चारों फूल पड़ के इस पे दम करना और मुंह पे मार देना स्प्रे वो, और वो भी पानी पे दम करना और सब चीजों के ऊपर दम करना, 100 बार ऐतल कुर्सी 100 बार चारों फूल पड़ने के बाद में और यूज करना सब चीजों को, और हर नमाज के बाद में 7 बार इतर कुर्सी 7 बार चारों फूल पढ़ के तावीज़ के या दुआ का पानी जो दिया वो पानी पे दम कर करके ज्यादा से ज्यादा पिलाते जाने लोग, अभी इनको जाने के बाद में जुलाब लगेंगे, दवा बहुत गलीज किस्म में की दवा हुई, स्वास्थ्य मुंह से नहीं आ रही वो, तो जुलाब लग के दवा निकल जाएंगे वो अल्लाह करम से, पीछे दुआ से लगा बड़ा हूं बड़ा हूं, पानी दो पानी, दुआ का पानी लड़ो पीछे बड़ा रहा हूं, ये जो मसला है तो ये करके सब खिलाफी करके कुछ करे वाली दास्तान है, और वो तो उसके बयान ही मैंने सब पूछाया जो भी दास्तान थी, क्या है कौन खिलाए क्या करे एक सुजर, और सबसे बड़ी बात कि शैतान को जहाँ मार पड़ती वहां झूठ नहीं बोलता, वहां सही बोलते, जितना शयातीन बदुमे जो भी है तो क्यों सही बोलते, चाहे इंसान हो कि चाहे शैतान हो, जब तक उनको मारने पड़ती जब तक सही नहीं बोलते,
फितरत है दोनों के लिए। तो वो जो भी नाम निकले, जो भी दास्तान है, वो क्या है मुझे तो पता नहीं, मगर एक्स वाई जेड जो भी निकले मैंने निकाल के सामने बताया, कौन डाले क्या डाले, कैसे मंत्र चल रहा, कैसे जादू टोने के लिए थे, क्या है जादू टोना, क्या नहीं है क्या दुनिया में, हर चीज है ना, दिन और रात, रात और दिन कैसे तब्दील होते, कैसे कैसे चीजें बनाए अल्लाह ने, हर वो चीज बनाए अल्लाह ने। अभी तो इतनी थोड़ी तरक्की हुई कि हर वो चीज को जान ले, हर वो चीज को आप ले, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हर चीज के भी दायरे होते हैं, हर एजुकेशन एक अलग अलग किस्म का होता है, एक ही एजुकेशन में सारा ही आ जाएगा, ऐसा तो जरूर नहीं, इल्म हर मामलों में, हर डिफिनेशन में अलग अलग इल्म के थ्योरी, अलग अलग समंदर है, हर फील्ड के अंदर एक अपना अपना। अब तुम बोलेंगे इंजीनियर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हम आपको इंजेक्शन दो, तो उसका इंजेक्शन देगा, डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को बोलेंगे कि डॉक्टर हम आपको बिल्डिंग बन के दे, नक्शा डाल के दे बिल्डिंग का, डॉक्टर पास नक्शा डाल देगा। सब एक अपने अपने फील्ड के माहिर होते हैं और हर एजुकेशन एक अलग अलग अपनी अपनी फील्ड में समंदर है, तो वैसे ही जादू टोना भी एक समंदर है, उसको जानना बहुत जरूरी है तुम लोगों के वास्ते। अगर तुम जानेंगे नहीं तो फिर तुम उसमें मुबल्लस, उसमें तुम घर उसमें डूब के खत्म हो जाएंगे। तुम एक किस्म का ऐसा दलदल है कि इंसान जब जादू टोने के दलदल में फंसता, तो सबसे अहम बात यह है कि जादू टोने जब पता चलता, जब इंसान पूरा बर्बाद हो जाने के बाद उसको पता चलता कि मेरे ऊपर कुछ जादू टोना करे अल्लाह है, जब उसको पता चलता तो जब तक वो पूरा मिट जाता, बर्बाद हो जाता पूरा। तो इसलिए अल्लाह ये सब चीजों से तुम दुआ करो, अल्लाह की पनाह मांगो ये चीजों से, ऐसा देख के सब खुश मत हो, अरे अरे कोई ऐसा कुछ ये कर रहा क्या है, क्या है ऐसा टिप्पणियां मत करो एक दूसरे के ऊपर, ये देख के सब बीटो, इससे पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह तेरी पनाह में रख बोलना जादू टोने से। जिस दिन भी अगर जादू टोना घुसेगा ना तुम्हारे घर में, तो फिर तुम्हारा कुछ दिन तौबा भी कबूल नहीं होगी तुम्हारी, तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ जाना, कैसा निकालना, कैसा कट करना, इसको क्या कट करना, इतनी खतरनाक चीज है जादू टोना। तलवार खतरनाक चीज नहीं है, अनुबम खतरनाक चीज नहीं है, न्यूक्लियर हाइड्रोजन खतरनाक नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है जादू टोना। ये सब चीज होती है क्योंकि दिखता भी नहीं ना, कोई मशीन में पकड़ में आता, मगर बरोबर वार करता, बरोबर हमला करता, बरोबर इंसान को तबाही करके गर्क करके खत्म कर देता। और कैसा रहता, बहुत सारे लोग मेरे पास में आए, बहुत सारे दास्तान ऐसे भी देखा मैंने, इतने बड़े बड़े लोगों को भी निकाला, मेडिकल साइंस तो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सर्जन लोगों के भी इलाज करना, जहाँ सारा सब घुटने टेक देते वहां से जादू टोने की दुनिया खत्म चालू होती है, स्टार्ट होती है, जहाँ से पूरे सब है ना, डॉक्टर, मेडिकल साइंस, एक्स वाई जेड, जहाँ पर सब खत्म हो जाते वहां से ये दुनिया स्टार्ट होती है। और ये इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे, इससे पहले भी एक आया था, न्यूज चैनल वाले आए थे और उन्होंने बोले थे कि हजरत बोले उसको चलने नहीं आ रहा, जवानी में इंसान को चलने नहीं आ रहा, उसे पैरों से बुड्ढे के जैसा हो गया, उसे हाथा पांव थर थर कांप रहे। मैं बोला ऐसा कैसा हो भाई, ये तो जवानी इंसान को ऐसा कैसा चलने नहीं आ रहा, पूरा ज़ईफ़ इंसान भी था। बाद में लाए मेरे सामने बिठाए कि पकड़े उनके भांजी के आंग में शैताना ने बोला, बोले इन्हें बुद्ध न्यूज अदाल रखा ना, बोले उसके जो भी जादूगरों के बारे में कुछ चलाता था प्रोग्राम, बहुत बड़े चैनल का था वो, नाम तो नहीं लूंगा मैं चैनल का, तो उन्हें उसमें है ना वीडियो में बोलता हूँ, क्या बोलता है बहुत कर रहा था ना, बोले पटेलगिरी चला रहा था, बोले किधर भी जा रहा, रुआबा झाड़ रहा लोगों पे, इलाज वालों पे, तो इसको ऐसा करे बोले कि हमला कराया जादूगर ने, भेज दिया उसके पास जो भी थी चीज, वो चीज ने बोली मैं 3 महीने तक इसके पीछे था अंदर, वो देखो वीडियो में बोलता शेता, 3 महीने तक था कि इसको कैसा मारू कैसा मारू। बाद में खंडाला से जा रहा था तो इसको सडनली मैंने मौका मिल गया, सितारे पूरे सब इसमें आए, टाइमिंग पूरा सट हुआ, सट होते शैतान को ताकत नहीं मिलती, तो उन्होंने क्या करा फौरी ऐसी थप्पड़ मारा, बोले इसको पूछो ना, बोले इसका एक्सीडेंट कैसा होने, हाल कैसा हो, इसको थप्पड़ मारा था ना, बोले मैं बिल्कुल जोर से हंस रहा, तो उन्होंने बोला हो ये तो बात सही है, मैं गाड़ी चला रहा था मोटरसाइकिल या बुलेट कोई थी, वो थप्पड़ मारने के बाद ही मेरी गाड़ी गिरी, बोले नीचे जब एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसे ये चीजें बहुत अजीब गरीब रहते हैं, पनाह मांगो अल्लाह की, अल्लाह के पनाह में रहो, अल्लाह को बोला महफूज रख ये चीजों से, ये वबाओं से, ये बलाओं से, तेरे कलाम इलाही की बरकत से, तो तुम महफूज रहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्य तुफैल में। नहीं तो तुम बोलेंगे हम नहीं मानेंगे, हम ऐसे हम वैसे, हम कुरान पढ़ ले रहे, तो पढ़ने वाली जबान भी होना ना भाई, पढ़ो ना बेशक। अब मैंने ऐसे भी लोग देखा मैंने जो कुरान पढ़ रहे और दूसरों पर जाके जादू टोना कर रहे, और मेरे को बोल रहे भी, और क्या बोल रहे, हमारे को तो कुछ नहीं होता जी, बोले हम तो कुरान पढ़ रहे ना, बोले और बरोबर कर रहे दूसरों पर, ना वो भी निकाला मैंने पकड़ के डायरेक्ट खुसूस में पूछा तो उनके सब निकले, और पीछे जाके लोगों पर जादू टोना कर रहे, नहीं जरा के कुरान, ऐसी कुरान और ऐसी इबादत पढ़ के क्या फायदा तुम्हारा, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे लाके नमाज फेंक के मार दी जाएंगी, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे आमाल तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार दी जाएंगे, क्योंकि अल्लाह कबूल नहीं करता इस चीज़, जादूगर के पास जा रहे इधर से और इधर से अल्लाह को इबादत, यानी तुम अल्लाह को इबादत करके नहीं दिखा रहे हो, तुम अल्लाह के वास्ते इबादत नहीं कर रहे, तुम अगर अल्लाह के वास्ते इबादत करते थे तो तुम कोई जादूगर के पास नहीं जाते थे,
तुम बोलते थे कि हम अल्लाह को बता रहे, देख अल्लाह हम तेरे वास्ते इबादत कर रहे और हम तेरे से अजर लेंगे, तुम दुनिया को दिखाने को कर रहे, तुम दुनिया को दिखाने को कुरान पढ़ रहे, दुनिया को दिखाने को नमाजा पढ़ रहे और तुम्हारा दिल दगलबाजी में लगे आला है और सजदे में, सर तुम्हारा सजदे के अंदर है और दिल दगलबाजी में है, और जब दिल तुम्हारा सजदे के अंदर नहीं झुकता तो फिर वो सजदा कबूल नहीं होता, फजूल है, फिर फजूल है, क्योंकि तुम्हारा दिल किधर है लगे वाला, वो देखो ना, सजदे के साथ में तुम्हारा दिल झुकना वही सजदा कबूल होता, खाली सर जमीन पे माथा मार के उठने से कुछ नहीं होता और वो इबादत कबूल भी नहीं होती, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी लाके फेंक दी जाएंगी, मार दी जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा दिल जा रहा जादू टोने करने को जा रहा, शिर्क करने को जादूगर के पास जा रहा, और सजदा किसको करके बता रहा, फिर अल्लाह के वास्ते थोड़ी सजदा होगा, अल्लाह के वास्ते सजदा होगा, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ जाएंगी तो यकीनन अल्लाह को दिखाने के वास्ते होंगी तो कोई राह पे नहीं जाएगा, सिर्फ अल्लाह के राह पे रहेगा, सच्ची इबादत कर रहा, और जो भी इबादत करने वाले को फिर अल्लाह भी खुद बोलेंगे, अल्लाह भी खुद फरमाता कि तूने जिसको दिखाने के लिए रोजा रखा था, तूने जिसको दिखाने के लिए नमाज पढ़ा था, तूने जिसको दिखाने के लिए कुरान पढ़ा था, जा उससे अजर ले, बोलता फिर तुमने अल्लाह को दिखाने को पढ़ो, अल्लाह को दिखाने को पढ़ो, अल्लाह तुमको अजर देगा और तुम अल्लाह से अजर मांग सकेंगे, तुम्हारे जादू आंटोने करेंगे दुनिया को दिखाने के, तो कुरान पढ़ के दिखा रहे, नमाज पढ़ के दिखा रहे, जो कि उनसे अजर लो, और बहुत बुरा चीजों के अंदर गर्क हो कि इतने खतरनाक तरीके से हलाक होंगे तुम लोग, जिसके अंदर ये जादू टोमा इसे नहीं करना है के ऊपर, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे, और तुम एक जिक्र का मामूल, जिक्र का एक मामूल बनाओ अपने जबान पर रखकर कि कोई भी नमाज के बाद में हम इतने बार पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आधा घंटा एक घंटा, 10 घंटे मोबाइल देखेंगे, 4 घंटे टीवी देखेंगे, 5 घंटे दोस्तों के साथ फिर कहेंगे वाह वाह वाह, जिसमें सब लगा देंगे पूरा टाइम सर्व करेंगे, सबसे बेहतर है कि एक आधा घंटा तो भी जिक्र करते जाओ, एक टाइम निकाल कर रखे, तुम्हारा जिक्र की जब फिक्र करेंगे तो फिर जिक्र तुम्हारी फिक्र करके तुमको इन चीजों से महफूज रखेंगे, अल्लाह की फसलों पर कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, मेरी बात याद रखना, जादूगर के पास बिल्कुल नहीं जाना, जादूगर तुम्हारे जिंदगी बर्बाद कर देता, जादूगर पैसे भी लेता उल्टा तुम मार पे भी जादू करता, सब पे करके वो बदमाश लोग आते सबको हलाक कर देते, घर को जाते इबादत की रस्सी मजबूती से थामो, दुआ और बद्दुआ, दुआ की वो बात है डायरेक्ट अर्शे इलाही पे चली जाती है और उसको कोई नहीं रोक सकता, बद्दुआ, बद्दुआ एक ऐसी चीज है कि दुआ को तो भी जमीन आसमान के बीच में रोक दिया जाता, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कौल है पढ़ लो कि दुआ के साथ में जब तक दरूद शरीफ आगे पीछे नहीं रहेगा उसको जब तक अर्शी लाइफ नहीं जाने देते, और बद्दुआ एक ऐसी चीज है कि उसको तो कोई नहीं रोकता, सीधा डायरेक्ट अर्श पे चले जाती है, हक पे रहो बद्दुआ दो, बद्दुआ बरोबर लगेंगी सामने वाले को, बरोबर गर्क हूंगा, बरोबर हलाक हूंगा, और तुम जादू टोना करेंगे तो फिर तुम भी मोबाइल डूब कर उसमें गर्क हो जाएंगे तुम लोग भी, बेहतर है कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, तौफीक दे, तौफीक दे, और अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो जादू टोने से, शैतान भूतिया ऐसी चीजों से, हंसी में मतलब बातों को, अगर तुम्हारे घर में जिस दिन घुस जाएगा जादू टोना उस दिन तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी, तुम्हारे भागने को भी रास्ते नहीं मिलेंगे, कुछ इसने सुधरता फिर इंसान को, मैं देख रहा हूँ रात दिन देखा हूँ मैंने भी और दिखाया भी दुनिया को मैंने क्या क्या है और पैसा कैसा प्रैक्टिकल में, इसलिए पनाह मांगो अल्लाह की, अल्लाह की पनाह मांगो बार बार, मैं यही कहूंगा, और अल्लाह तेरी पनाह में रख, तेरे कलाम इलाही की बरकत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफैल में तुम महफूज रहेंगे, महफूज रहेंगे, महफूज रहेंगे, जब रब तुम्हारी हिफाजत की ठान लेगा तो क्या जादू टोने की औकात और क्या मिसाल है, और जब रब तुमसे नाराज होके हट जाएगा तुम्हारी तरफ से नजरें फेर लेगा तो फिर तुम जादू टोना नहीं भी रहेगा तो भी तुम गर्क हो जाएंगे, अल्लाह हो जाएंगे, बेहतर है रब को नाराज मत करो, अल्लाह को नाराज मत करो, रब के काबा की कसम इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, तुम महफूज रहो, मामूल बनाओ घर में जिक्र अस्कार इबादत करने का, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मैं इसलिए बोलता कि तुमको सीख मिलना, तुमको सबक मिलना, तुमको तजुर्बेकार और इल्म का कार कौन है जो दुनिया में तुमको बताएगा, डायरेक्ट प्रैक्टिकल में लाइव में अल्लाह मुझे बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, वाजिब है तुमको बताना, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा तुम्हारे, तुम्हारे घर में जादू टोने घुस जाएंगे तो कौन तुम्हारे हटाने वाला बताएगा, अल्लाह को जमीन पे आकर तुम्हें बताता, अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से पैसा पहुंचाता, चलो खैर तुम पढ़ो, तुम कुरान पढ़ेंगे समझ में सब बात है, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे।